कितने परांठे बन रहे हैं? दो बना देना, ठीक है। रोटी वोटी नहीं खाऊंगा, परांठे खाऊंगा। ना परांठे है, परांठे खा लूंगा अचार के साथ में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? सब लोग ठीक हो गए। मैं कल रात को आ गया था और लेट आया था, 3:30-4 बज गए थे मुझे जब वो वहाँ से उतारा उसने बस वाले ने, तो मैं रोड पे मेन रोड पे उतार दिया था। तो पैदल 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 चलते हुए 4 बज गए थे मुझे घर पे आते हुए। उसके बाद फिर आने के बाद अब मैं सुबह रेस्ट करा, काफ़ी देर सोया, अब सो के उठाऊँ तो आज का एक नया दिन, नया शुरुआत। और तो मैं आपको मेन चीज़ ये बताता हूँ कि कितना खर्चा हुआ मेरे पूरे ट्रिप के अंदर, कितने पैसे लगे, कहाँ रुका, कितने के लगा, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और कितने पैसे खर्च हुए ये बताता हूँ, और मैं कहाँ कहाँ गया ये आप व्लॉग में देख ही चुके होंगे। चलो दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा यहाँ से करोल बाग से सरायकाले तक, काले का तक जो स्टेबो है बस अड्डा, वहाँ तक की टिकट है 15 रुपये की लोकल ट्रांसपोर्ट की। और उसके बाद ये सरायकाले खां से बालाजी तक की है 265 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद ये वहाँ से जयपुर तक की है 120 रुपये की, जो बालाजी से फिर मैं जयपुर गया, ठीक है। फिर जयपुर के बाद फिर मैं आगे, जयपुर के बाद मैं सीधा नहीं, ये दिल्ली आया हूँ वापसी, उसके बाद मैंने ये टिकट भी ली है जयपुर से। फिर मैं खाटू श्याम जी गया, ये लिखा है ना ऊपर, जयपुर टू खाटू श्याम, ये मेरे को मिली वहाँ पे 80 रुपये की टिकट। ये उसके बाद फिर मैं खाटू जी से सीधी, लिखा है इसमें जयपुर से दिल्ली 270 रुपये की टिकट है, और जबकि 265 रुपये की टिकट मेरी सीधी लगी थी सरायकाले खां से बालाजी तक की, और बालाजी से आगे भी पैसे लगे थे। 270 रुपये की जो मेन दिल्ली जयपुर से मैं बस से सीधा दिल्ली रात को उतर गया था, वहाँ से चली थी बस ये, हाँ 9 बजे चली थी, और तो मैं 5 बजे तक यहाँ पे सुबह, 4 बजे तक मैं सुबह मेरे को दिल्ली उतार दिया था। तो टोटल प्रोस खर्चा कितना आया, ये हो गए 300, 400, 500 और 500, 500-600 रुपये के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट, रिक्शा विक्शा भी मैंने लिया था, और 100 रुपये मेरे रूम के लगे थे। 300 रुपये का मैंने हमने रूम लिया था, और उसमें दो बंदे शेयरिंग में थे, दो बंदे वहाँ पर मुझे शेयरिंग में मिले थे, तो तीनों ने डिवाइड कर लिया था, 100-100 रुपये वो लगे थे। बाकी जैसे चाय हो गई और अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लिया था, कचौड़ी वगैरह खा ली जो हमने देखा था, और मतलब अप्रोक्स मेरे मैक्सिमम लगे होंगे 700 रुपये लगे होंगे, रुकना रहना आना जाना खाना। और आते समय मैंने जाते समय तो मैं लेके गया था, आते समय जब मैं खाया खाना तो वो मान लो 100 रुपये का, 800 रुपये मान लो, टोटल 800 रुपये मेरा दो जगह मैं ट्रिप मारा, जिसके अंदर बालाजी महाराज और अपने खाटू श्याम जी। तो अगर आप लोग भी लोकल ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो बड़ा इजी रहेगा, सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से मिल जाता है आपको रूम वहाँ पे, शेयरिंग में कर लो, या फिर आप सिंगल लोगे तो भी 200-300 रुपये लेते हैं वो लोग, और बहुत अच्छा था, सही था। तो इतना था, अब मेरा नेक्स्ट ट्रिप मैं बना रहा हूँ, बनेगा अभी, फ़िलहाल दिवाली है, दिवाली के बाद देखते हैं। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं मम्मी हमारी क्या कर रही है, माता जी वहाँ, फिलहाल मैं लंच कर लूँ, लंच करने के बाद फिर मम्मी से मिलते हैं। मम्मी प्रसाद वगैरह भी सबको देना है, सबको खिलाना है। क्या खोल ली भैया दुकान? शॉप खोल ली उन्होंने, शॉप वॉशिंग मशीन की। क्या लगा रखा है ये, क्या खोला है, क्या बेच रहे हो भैया? वाह, नेल आर्ट खोला है पीओ ने, नेल आर्ट खोला, नेल आर्ट स्टूडियो। शॉप तो अच्छी है भैया आपकी, और क्या क्या बेच रहे हो है? ये क्या है, नेल पेंट? अरे भैया आप तो शॉप के बराबर भी नहीं हो, आप तो किस पे खड़े हो ये? गाइस मैंने कुछ ना सामान लिया घर के लिए, अब रिएक्शन देखा ना मम्मी का रिएक्शन क्या रहेगा, कि क्यों लाया इसमें तो नमक तेज होता है, ये होता है, रिएक्शन दिखाता हूँ। तेरे गिफ्ट लाया हूँ, गिफ्ट ये तो मैं अपने लिए लाया हूँ, 10 रुपये का, छोटा देता ना 10 रुपये का, आधा 20 का देता है, तो 40 का लगा ले। ये नमकीन बताना कैसी है? सही है, हैं? सही है, कहाँ से लाया है? आज तो नमक तेज नहीं बोली, क्या बात, नमक नहीं है, तेज है, सही है, सही है, मैं ले आया डरते डरते। ये येलो कलर का ना, ये इसे क्या पालना कहते हैं ना, और ये है तारा, ये व्हाइट कलर का है ना,
ऊपर है ना बहुत, ये नीचे है और वो येलो कलर का है ना। अरे चल रहा है ना, चल रहा है ना, देख कितना नीचे है, इस टाइम ये नीचे चलता चलता जाएगा। क्या है तो कहाँ जाएगा ये? चल जाएगा ये माता सामने वो है, माता सामने वो रोज आता है, साले रोज आता है, रोज आता है, कल नहीं आया था। कल देखे थे ना, इस टाइम पूजा करते ना, तो इस टाइम गाय उधर 7 बज रहे, टाइम फोन है 7 हो रहे हैं। हां तो गाय बोली मम्मी अंदर हो जाओ, मैं पालना जा रहा है, ये मम्मी पालना है। मेरे को तो पहली बार पता लगा ये तारा है, मम्मी ये तारा है, पालना जा रहा है, देख इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते, बच्चा बाहर दूध पिएगा, बड़ा भी पिएगा ना उनका भी असर हो जाता है, बाहर नमक खड़ा हो जाता है, छोटा रह गया, इसकी माँ ग्रहण लगाओ था बाहर आ गई पालने में आ गई, तो यहाँ से निकला हुआ ये छोटा सा मैंने देखा तो था भी येलो कलर का चलता, मैं पता नहीं कोई चल जैसे पतंग वतंग नहीं उड़ाते, मैं उसका चिंगारी उड़ रही होगी क्या, तभी तो कहते हैं बच्चों को बाहर दूध नहीं पिलाना होता, गेम गेम बैठ के दूध को नहीं पीना होता, रात को नहीं पीना होता, तो ये चल जा रहा है इस टाइम, बरामदे में नहीं आना चाहिए बच्चे बैठे, बरामदे में नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, कि ये चेहरे का दाग मेरा कैसे जाएगा, बैठो बैठो टोपे, मेरी मौसी एक वो डॉक्टर है, वो सीनियर है थोड़ी है, मेरी माता जी से ज्यादा बड़ी सीनियर है वो, तो वो बताइए मेरे चेहरे पे जो दाग हो गया जाएगा, और छोटे डॉक्टर पूछ के आए और जो अस्पताल में बैठे वो डॉक्टर तो फेल होगा, इसका मतलब वो तो साफ नहीं करेगा, निशान नहीं जाएगा तेरे, देख निशान चले जाएगा, अब कौन सा मैं लड़की देखनी है, ब्याह करना है इस लड़के कैसे था, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, चाय पी रही, कितनी बारी चाय पी थी, अरे वो बची हुई थी दूर डला हुआ था, मन ले जाएगा, मना कर रखा है 1000 दफा चाय ना पिएगा, ना पिएगा, फिर चाय पी ली, फिर मेरे बीपी बढ़ गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, गर्मी लग रही है ना, दवाई दे दे मेरे, फिर मेरे गैस बन गई, दिमाग में चढ़ रही हूँ, अब तो बहुत होगा, पहले तो किस चढ़ जाते थे दिमाग के में गैस, ये पी तो रही है गैस, ये तो जब बच्चे खाते हैं ना ऐसे खरीज हो मुदे 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 इसने सोप मैंने आपको दिया ना मैं खाली खाली तो सारी साफ कर रही मम्मी देख रही है इसके लिए निकाल रही है स्टाइल मारेगी अब स्टाइल मारेगी देख ऑन नहीं है ऑन नहीं है ऑन है बाबू क्यों दिया आपने बाबू खा के दिखा कैसे खाते कैसे खाते हैं मैं नहीं खा रहा कुछ भी नहीं हुआ है ना अभी यहाँ तक लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं लगी है घर के अंदर अभी ऐसे ही पड़ा है मंदिर की सफाई भी करनी है मंदिर भी गंदा हो रहा है और चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाय।